कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने खोल दिया अशुभ दरवाजा, संकट में फंसेगी कांग्रेस। विधानसभा में सालों से बंद दक्षिण दरवाजे को सीएम सिद्धरमैया ने खुलवाया। दक्षिण द्वार से ही सिद्धरमैया ने किया अपने कार्यालय में प्रवेश। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद इस बार राज्य में बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे पहले तो राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की जगह कांग्रेस सत्ता में आ गई और अब सीएम सिद्धरमैया बहुत कुछ बदलने की तैयारी में जुट गए। वैसे बदलाव की शुरुआत तो सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गई थी, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में पहली बार सीएम का कार्यकाल ढाई ढाई साल का तय करने की खबरें आई। वैसे इस पर मोहर किसी भी तरफ से नहीं लगाई गई। सिद्धरमैया कैंप तो ढाई ढाई साल के फॉर्मूले से पूरी तरह से इनकार कर रहा है, तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार कैंप की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि जो समझौता हुआ है वो हाईकमान के सामने हुआ है, ऐसे में समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। इस बीच सिद्धरमैया बहुत कुछ बदल रहे हैं, तमाम परंपराओं को बदला जा रहा है और सीएम सिद्धरमैया ने विधानसभा का दक्षिणी दरवाजा भी खुलवा दिया। ये गेट सालों से बंद था। अधिकारियों ने बताया कि इस दरवाजे को वास्तु दोष के कारण सालों पहले बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने तुरंत दरवाजा खुलवाया, उन्होंने वहां से एंट्री और एग्जिट करने का फैसला किया। सीएम यहां अन्न भाग्य योजना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे थे। जब सीएम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है। पूछने पर अधिकारियों ने सीएम को बताया था कि दक्षिण द्वार को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे कभी नहीं खोला गया। सिद्धरमैया कुछ देर तक तो दरवाजे के ठीक सामने खड़े रहे और फिर अधिकारियों को दरवाजा खोलने के निर्देश दे दिए। अपने कार्यालय में प्रवेश करने के बाद सीएम ने वास्तु की अपनी व्याख्या बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अच्छा वास्तु वह है जहां आपको स्वस्थ दिमाग, साफ दिल और लोगों के लिए कंसर्न मिलता है। इसमें प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा आनी चाहिए। एक अधिकारी के मुताबिक इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने दक्षिणी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। दरअसल अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने कभी भी इस दरवाजे को नहीं खोला, वो अपने और राजनीतिक करियर के लिए इसे अशुभ मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि दक्षिण द्वार का उद्घाटन शनिवार को हुआ था, ऐसे में आशंका है कि ये जीवन में दुख के कारण और कुछ नहीं ला सकता है। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में सीएम को अपने कर्मचारियों से पूछते हुए देखा जा सकता है कि दक्षिणी द्वार को क्यों बंद किया गया है। स्टाफ ने उन्हें बताया कि वास्तु दोष के कारण बंद है, फिर सिद्धरमैया उन्हें इसे खोलने के लिए कहते हैं और इसी गेट से कक्ष में प्रवेश करते हैं। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कुछ लोगों ने सीएम की तारीफ की और कहा कि अंधविश्वासों को खत्म करने की ये अपील है। कुछ अन्य ने कहा कि ये कदम उन्हें परेशानी में डाल सकता है। फिलहाल तो सिद्धरमैया ने फैसले की तारीफ हो रही है और जहां तक बात परेशानी की है तो केंद्र सरकार ने सिद्धरमैया के सीएम बनने के साथ ही उनकी परेशानी को बढ़ा दिया। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव में एक परिवार को 10 किलो चावल देने का ऐलान किया था, लेकिन कर्नाटक में सरकार बनने के साथ ही केंद्र सरकार ने FCI को आदेश दिया कि वो चावल को खुले बाजार में बेचे, सरकार के स्तर पर डील न करे। अब सिद्धरमैया के सामने संकट इस बात का आ गया है कि अगर वो खुले बाजार से चावल खरीदते हैं तो क्वालिटी से लेकर रेट तक हर मामले में सवाल उठेंगे। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग सकते हैं और सबसे बड़ी बात, सरकार को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पहले से ही कांग्रेस को अपनी दूसरी घोषणाओं को पूरा करने के लिए तमाम खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार अलग से कर्नाटक सरकार को परेशान कर रही है और अब सिद्धरमैया ने दक्षिण द्वार भी खोल दिया है। अब ये द्वार सिद्धरमैया के सामने नया संकट लेकर आएगा या पुराने संकट इस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।